नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैं उस विषय को समझने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तो आज जो हमने विषय लिया है, वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है। मंगल अमंगल कारक नहीं। अक्सर मंगल को लेकर ये धारणा हमारे समाज में व्याप्त है कि मंगल कुंडली में मंगल दोष होना, विशेष रूप से कि मांगलिक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहुत ही घबराहट बढ़ा देने वाली बात मानी जाती है। जैसे कोई कुंडली दिखाता है और कहें तुम्हारे तो मंगल है, तो बस उसकी आधी जान तो वहीं निकल जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। और विशेष रूप से अगर स्त्री की कुंडली में, लड़की की कुंडली में अगर मंगल हो गया, तो बस समझ लीजिए कि उसको सारे दोषों का कारण उसको मान लिया जाएगा कि बस मंगल दोष है इसके, तो शादी भी नहीं होगी इसकी, तो या शादी होगी तो बड़ी मुश्किल से शादी होगी। इस तरह से जो है परेशानियां ये नई नई आ जाती हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि कन्या की कुंडली में मंगल दोष जो है बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। एक्चुअली मंगल को इस तरह से हवा क्यों बनाते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। ये हमारे को कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए हैं कि मंगल जो है एक ऐसे राजा के समान माना जा सकता है जो बिना सोचे समझे विचारे शीघ्र दंड देने का पक्षपाती है। बिना सोचे समझे विचारे शीघ्र दंड देने का पक्षपाती है, जिसके कारण कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी दंड पा जाते हैं। ये मंगल की एक तरह से नेचर बताई गई है इसमें, कि वो जल्दी से निर्णय देने की आदत रखता है या क्षमता रखता है। आपने देखा भी होगा जो मंगल प्रधान लोग होते हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। तो मंगल का यही जो गुण है ये आ जाता है लोगों में। वस्तुतः जो शुभ मंगल होता है, कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है और शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो वो जो है व्यक्ति को साहसी बनाता है, निर्भीक बनाता है और उसे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शुभ मंगल हमेशा, मंगल क्या ना एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट माना गया है। अच्छाइयां होंगी तो भी बहुत अच्छा है, और अगर दुर्गुण खराबियां हो गई तो भी वो खराब है। इसलिए मंगल को लेकर घबराहट ज्यादा होती है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसके प्रयासों में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ वो सफलता भी देता है, प्रयासों में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य देता है। यदि मंगल शुभ और लाभकारी भाव में बैठा है और कुंडली में भी लाभ भाव दे का स्वामी है या अन्य शुभ भावों का स्वामी है, शत्रु विजय दिलवाने में भी मदद करता है। शुभ और कारक मंगल जो है व्यक्ति को अपने भाइयों से सहयोग दिलवाने में भी मदद करता है। भाइयों का कारक है मंगल, इसलिए भाइयों से सहयोग, और जमीन जायदाद इत्यादि का स्वामी भी आपको बनाता है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि मंगल खराब ही खराब रिजल्ट देता है, ये इसके अच्छे गुण भी हैं कि मंगल ये सब हमें देता है। किंतु यदि मंगल अशुभ भाव, जैसे छठा आठवां और बारहवां हम कुंडली में अशुभ भाव मानते हैं, और अशुभ भाव का स्वामी हो या अशुभ भाव में स्थित हो या अशुभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, और विशेष रूप से शनि और राहु जो स्वाभाविक पाप ग्रह माने गए हैं, तो जातक को क्या करता है फिर उसमें, वो दुर्गुणों की भरमार कर देता है कि उसको घमंडी, क्रोधी और परपीड़क बनाता है। मतलब कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का ही काम करने में उसको आनंद आता है। और ऐसे जातक हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दबाजी का काम करके अपना मान सम्मान, पैसा और पद, इन सब की जो है हानि खुद अपने लिए ही कर लेते हैं। उनका जो मन रहता है, चित्त रहता है, वो हमेशा अशांत रहता है। दंगा फसाद करने के अलावा रोज रोज नई समस्याएं खड़ी करने में उनको मजा आता है। ये दुर्गुण है मंगल के। और दुर्घटना हो जाना, घाव हो जाना मतलब चोट लग जाना, खून खराबा हो जाना, अग्नि से भय, आग से जल जाना या आग से भय, मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, इसके अतिरिक्त जितने भी दुर्गुण हैं, रेप करना, मर्डर करना, ये सारे जो कुकृत्य हैं ये कारक मंगल के ही है। इसीलिए मंगल को लेकर हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा भय व्याप्त है। लेकिन और इसके अलावा एक और चीज रहती है कि स्त्रियों की कुंडली में हम मंगल को देखकर बहुत ही डर जाते हैं या कि मांगलिक है, लेकिन स्त्री की कुंडली में विशेष रूप से, मैं स्त्रियों के लिए यहाँ
खास तौर से बताने का प्रयास कर रही हूँ कि स्त्रियों की कुंडली में मंगल की स्थिति जो है अवश्य देखी जानी चाहिए, उसका कारक और लाभदायक होना अति आवश्यक है। क्योंकि मंगल क्या क्या प्रदान कर सकता है उसको, क्योंकि मंगल स्त्रियों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बचपन में उन्हें चोटों से बचाता है, फोड़े फुंसी होते रहते हैं बचपन में, या आग से जलने का भय रहता है, गर्म वस्तु से बच्ची चिपक भी जाती हैं, लड़कियां आपने देखा होगा दौड़ती भागती किचन में चली गई जल गई थोड़ा बहुत, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है मंगल यदि शुभ और लाभदायक होता है। लीवर का सही विकास करवाने में मदद करता है जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है, उससे व्यक्ति का ग्रोथ होता है। छूत की बीमारियों से उनकी रक्षा करता है, और आगे चलकर जब बचपन से वो युवावस्था में आती हैं तो उनके मासिक चक्र को संतुलित करता है, पीरियड्स को उनको संतुलित करने में मदद करता है, विवाह संबंधी परेशानियां समाप्त करता है। हमने कई देखे हैं जिनके मंगल अच्छे हैं, सुस्थापित हैं, उनकी शादियां बहुत ही कम उम्र में या समय से हो गई, कोई लेट नहीं कोई देरी से नहीं, है ना, तो ये समाप्त करता है। इसके बाद पश्चात शादी के बाद पति के साथ जो है आपसी संबंध, आपसी सहयोग, आपसी प्यार उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, और हिस्टीरिया अथवा फिट्स जो बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाता है, रक्षा करता है। परिवार में देवर होते हैं, ननदें होती हैं, मतलब पति के भाई बहन होते हैं, उनके साथ भी आपसी सौहार्द जो है वो बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है मंगल। और गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के दौरान जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय भी उनकी अकाल मृत्यु, उनकी सर्जरी इत्यादि से स्त्रियों की रक्षा करता है। सोचिए स्त्रियों की कुंडली में इसलिए इतना महत्व माना गया है, और फिर उसके दुर्गुणों को लेके उनको उभार दिया गया, लेकिन वो किस तरह से स्त्रियों की रक्षा करता है इस चीज को इग्नोर किया गया है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्त स्राव ब्लीडिंग होना या गर्भपात होना मतलब अबॉर्शन होना, इस पर भी नियंत्रण रखता है शुभ और कारक मंगल। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि हमेशा अबॉर्शन का कारक नहीं रहता है, शुभ मंगल रक्षा भी करता है ना। और इसीलिए इसके अतिरिक्त भविष्य में उन्हें जमीन जायदाद की मालिकिन बनाता है, स्वामिनी बनाता है, किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना से रक्षा करता है ना। और भाई का प्रमुख कारक ग्रह है, इसके कारण भाइयों से उचित सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है, और ताकि संतान को मामाओं का भरपूर सामंजस्य और सहयोग मिल सके, समृद्धि बढ़े घर में, ये इतने सारे फायदे हैं। और पत्नी को मतलब स्त्री की हम चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो स्त्री को घर में मान सम्मान मिले, पति से भी मिले, कई पति भी बहुत बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं स्त्रियों का, उनको मान सम्मान मिले, वो निर्भय बने, साहसी बने, और मृत्यु पर्यंत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रहे। इसलिए स्त्रियों की कुंडली में विशेष रूप से मंगल का शुभ और कारक और अच्छे भावों का स्वामी होना अत्यंत आवश्यक। तो अब मंगल के, अब जैसे मंगल हमारे बस में नहीं रहता है, हम कहते हैं कि शुभ होना आवश्यक है लेकिन नहीं है, तो मंगल के दुष्परिणामों से बचने के लिए विशेष रूप से स्त्रियों के लिए ही कुछ उपाय अधिक बताए गए हैं, वो मैं आज बता रही हूँ। आज ये स्त्री विशेषांक हम इसको कह सकते हैं कि इसमें विवाहिता स्त्रियों को चाहिए, जो हमारे यहाँ कुमकुम लगाना, सिंदूर लगाने की जो प्रथाएं हैं ना, वो मंगल को ध्यान में रखकर ही करी गई है, इनका महत्व हम भूल गए हैं। लेकिन असलियत यही है कि विवाहिता स्त्रियों को चाहिए कि वे सदैव लाल रंग का कुमकुम लगाएं, लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग की चूड़ी हाथ में अवश्य पहने। लाल रंग अथवा लाल रंग मूंगा मतलब जो रत्न है मंगल का रत्न, वो पहने, मंगलवार का व्रत करें, और कुंडली के अनुसार मंगल की स्थिति को देखते हुए जो विविध देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। ये चूंकि कृष्णमूर्ति जी ने बताया है इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत में जो देवी देवता पूजनीय है उनका भी उल्लेख किया है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुंडली में यदि मंगल अकेला ही स्थित है, किन ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, तो कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, कार्तिकेय स्वामी, अकेला है मंगल। मंगल यदि सूर्य के साथ है तो बलभद्र या बलराम जी की पूजा और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मंगल यदि चंद्रमा के साथ है तो काली अथवा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मंगल यदि बुध के साथ है
तो भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। यदि मंगल बुध शुक्र दोनों के साथ है, युति है उनकी, तो लक्ष्मी जी और नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंगल बुध शनि की युति होने पर, मंगल बुध और शनि इनकी भी युति होती है, तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मंगल और गुरु की अगर युति होती है तो भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा यदि मंगल और शुक्र की युति होती है तो महालक्ष्मी की पूजा कही गई है, और मंगल और शनि यदि साथ साथ है बस तो हनुमान जी की पूजा, और मंगल यदि राहु केतु के साथ हो तो गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मतलब हर ग्रह के साथ मंगल किस प्रकार यदि युति कर रहा है या दृष्टि संबंध बना रहा है उसके हिसाब से हमारे जो देवता हैं उनके बारे में बता दिया गया है कि इनकी पूजा करिए आप, तो इससे आपको शांति मिलेगी। यदि मंगल कुंडली में अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडलियों में मंगल अच्छे ही फल प्रदान करें। तो इस तरह से हमने मंगल के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दी कि मंगल को हमेशा अमंगलकारक नहीं कहना चाहिए। मंगल दोनों तरह के फल देता है और दोनों तरह के चूंकि एक्सट्रीम फल देता है इसलिए हम मंगल से भयभीत होते हैं। कुंडली में मंगल को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, किन भावों का स्वामी है, कहाँ स्थित है और किस नक्षत्र में है या किन किन ग्रहों के साथ वो युति बना रहा है या दृष्टि संबंध बना रहा है। इन सब का विचार करके ही हमें मंगल के बारे में आगे बढ़ना चाहिए या अपना निर्णय देना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, मंगल के विषय में आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी अंधविश्वास से जो भरी हुई बातें हैं उनको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। उसी सीरीज में हमने आज एक और काम किया है। ये बहुत उपयोगी और बहुत सार्थक वीडियो है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा इसको कई बार सुने और उसी तरीके से इन सब चीजों के ऊपर विचार करें। एक्चुअली गुण मिलान करना आया कि नहीं, सबसे पहले तो मंगल पे ही आपकी दृष्टि जाती है ना कि मांगलिक दोष तो नहीं है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। और बड़े बड़े शहरों में भी अगर पढ़े लिखे लोग भी हैं, लव मैरिज भी करना चाह रहे हैं और फिर कुंडलियां मिलाते हैं, तो भी अगर उनको बता दिया जाए कि भाई तुम मांगलिक हो तुम मांगलिक नहीं हो तो भी वो घबरा जाते हैं एक्चुअली। तो इसके बारे में हमें उनको उनके डाउट्स क्लियर करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बहुत शानदार वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, अंधकार मिटाने वाला वीडियो और इस सभी गुणों से भरपूर ये वीडियो है। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और नया बैच हम अपने नवरात्रों से शुरू कर रहे हैं, जो लोग इच्छुक हों हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।